हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज इसके रिगार्डिंग मैथ्स का चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इजी चैप्टर है और आप लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, मतलब 7th क्लास में पढ़े थे, 8th क्लास में पढ़े थे, फिर अभी 9th में पढ़ रहे हैं, फिर 10th में पढ़ेंगे और 12th तक पढ़ेंगे इसको। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन का तैयारी कीजिएगा, ठीक है? चलिए, जो पहला कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का वो है कि प्रोबेबिलिटी का टर्म, प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का सिंपली मीनिंग होता है एज्यूम्सन, एज्यूम करेंगे। अच्छा, एज्यूम तो कोई भी कर सकता है, खाली खाली जो एज्यूम करेंगे वो साइंटिफिक वे में एज्यूम करेंगे, मतलब कोई डाटा है, डाटा के बेसिस पे हम एज्यूम करेंगे, कुछ बेस पे एज्यूम करेंगे, खाली एज्यूम नहीं करेंगे। जैसे अगर हम 5-6 दिन का अगर मानसून का रिकॉर्ड करेंगे, टेम्परेचर, विंडफॉल ये सब देखेंगे, फिर रेनफॉल विंड सब देखेंगे ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे जाकर इतना बारिश हो सकता है, इतना धूप हो सकता है, वो सब का डिसाइड करेंगे, तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ में बेस करता है उसको बोलते हैं, एक तो होता है एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट जो होता है ना इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा? देखिए, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होता है उसके तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है ना जानते हैं, रिजल्ट कुछ भी आएगा, मतलब दो चीज़ आएगा, पास या फेल, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे दो चीज़ आता है कि नहीं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी के रिलेशन ऐसा है कि इसका जो आंसर हमको पता है, लेट से मैं दो एग्जाम्पल, येस और नो, मुझे आंसर पता है। कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आप क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, येस बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, वही है ना। तो हमको एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जो एक्सपेरिमेंट का आंसर हमको पहले से पता हो, मगर कौन सा आंसर होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट हुआ है। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उनको ध्यान सुनिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। देखिए, कोई क्या करता है कि कॉइन को टच करता है, क्या करता है, कॉइन टच करता है। मान चलिए आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, अगर आप कॉइन टॉस करेंगे मैं पूछूंगा आंसर क्या आएगा, ये तो सबको पता है आंसर क्या आएगा, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये सबको पता है। तो यही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब हमको आंसर पता है, सबको आंसर पता है, मगर एग्जैक्टली इस बार कौन सा आएगा हमको पता नहीं है। वैसे कोई डाइस, जो लूडो का गोटे होता है वो डाइस होता है, उसको अगर कोई रोल करेगा तो क्या आंसर क्या आएगा, उसका आंसर बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक चीज आएगा, एक बार में सिर्फ कोई एक आएगा, मगर इनमें से ही आएगा, तो मुझे आंसर पता है मगर इस बार कौन सा आएगा ये पता नहीं है, इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसी के बेसिस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी का टिका हुआ है, ठीक है? देखिए, अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा प्रोबेबिलिटी का थ्योरी को समझिए। जैसे कि पी ऑफ ई, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट इक्वल टू देखिए नीचे रहेगा क्या, सैंपल स्पेस, कोई कोई बोलता है इसको सैंपल स्पेस, मतलब मेरे लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, सैंपल स्पेस, ठीक है? और ऊपर रहेगा फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स, और मेरा जो लैंग्वेज है नीचे सैंपल स्पेस को आप सोच लीजिए टोटल इवेंट्स, क्या कर दीजिए, टोटल इवेंट्स, और ऊपर वैसे ही रहेगा फेवरेबल इवेंट्स। मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें टोटल जो भी रिजल्ट आएगा नीचे रहेगा, ऊपर जो आएगा वो सेटिस्फाइड कंडीशन या फेवरेबल वाला ऊपर रहेगा। मतलब ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, इवेंट हो, इक्वल टू इसका आंसर रहेगा ई मॉड बाई एस मॉड, वाई मॉड, मॉड मतलब वैल्यू, नंबर कर लिखेंगे, तो एस होता है सैंपल स्पेस और ई होता है इवेंट। तो यहाँ एक कंडीशन है कि हमेशा ई का वैल्यू आइदर छोटा होगा या फिर बराबर होगा, किसके साथ में, एस के साथ में। देखिए क्यों ना, एस होता है टोटल, ई होता है टोटल से कुछ फेवरेबल। अच्छा, जब टोटल से फेवरेबल निकालेंगे तो ये कभी तो एस से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम यहीं से निकाल रहे हैं, आइदर एस के साथ पूरा बराबर होगा या फिर एस से छोटा होगा, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एस का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, क्यों, अगर एस जीरो हो जाएगा तो ये नॉल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा, इनडेफिनाइट हो जाएगा, ठीक है?
मतलब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला याद रहेगा, फेवरेबल बाय सैंपल स्पेस और फेवरेबल बाय टोटल, ऊपर रहेगा फेवरेबल नीचे रहेगा टोटल, ई बट्टा एस। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता हूँ, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कर दिया, एक कॉइन टॉस कर दिया। अच्छा कॉइन टॉस में पूछता हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ गेटिंग, क्या आने का, हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा। देखिए तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसका मतलब ये होगा ई मोड बाई एस मोड। अच्छा एस क्या होता है, टोटल जो रिजल्ट आता है। अच्छा कॉइन टस करने पर टोटल क्या आएगा, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही आएगा, तो एस का वैल्यू आ जाएगा दो, हाँ कि नहीं। अच्छा ई क्या होता है, गेटिंग हेड, इसमें हेड कितने बार आया है, एक बार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। इसी से निकालना है आपको क्वेश्चन को, तो ऊपर रहेगा क्वेश्चन का पार्ट, नीचे रहेगा टोटल पार्ट। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। मैं एक डाई रोल किया, डाई, ठीक है, डाई रोल करने के बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे, एस क्या होता है, टोटल, डाई रोल पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। ई ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, गेटिंग प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम है, 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ना प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, ई बटा एस, ई में कितना है, 3 है, एस में कितना है, 6 है, 3/6 = 1/2, यही होता है आपका कंसेप्ट। एस निकालना है, ई निकालना है, फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला क्या है, ई बटा एस, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए और थोड़ा डीपली देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, अगर कोई क्लास में, क्लास आई एक्स क्लास दिया हुआ है, उसमें से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन कुछ बच्चा रहेंगे, एग्ज़ाम दिया हुआ है, एग्ज़ाम रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या दिया, टोटल स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे थे, उनमें से कोई फेल नहीं हुआ है, सब पास किए हैं, तो फर्स्ट डिवीजन आया है 45, सेकंड डिवीजन आया हुआ है 32, ठीक है, और ये आया है 23, ठीक है। अब मुझे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सुनिए क्वेश्चन बढ़िया से, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो क्या करेंगे ना, नीचे रहेगा टोटल, देखिए टोटल कितना है, 100 है, अरे ये नहीं भी देगा ना, तो हम क्या करेंगे इसको देख लेंगे, टोटल कितना है, 100 है, तो 100, सेकेंड डिवीजन कितना है, 32, तो 32/100, यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए इसका होने के बाद और एक थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ये याद रखिए, आपको कोई नहीं बताएगा, 0 से इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, 1 से इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, क्यों। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ई बटा एस, और आप सबको पता है, सबको क्या पता है ना, ई का वैल्यू कभी एस से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ई सब हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अगर ऊपर का आंसर छोटा है, ये न्यूमरेटर से छोटा है, नीचे का बड़ा है, तो ये कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा एक से कम ही होगा। अगर ये 3 हो जाएगा तो 1 आएगा, 3 से आगे नहीं होगा क्योंकि नीचे सबसे बड़ा रहेगा, तो इसका आंसर ये आइदर 1 होगा और या फिर 1 से छोटा होगा। यहाँ तक समझ आ गया, 0 क्यों किया है। मैं पूछता हूँ, अगर कोई डाइस रोल किया जाए, मैं पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 7 आने का चांस क्या है, आप बताएंगे सर 7 तो आएगा ही नहीं उसमें, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, जब सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना पक्का बनता है, और देखिए अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा वीडियो स्पीड हो रहा है तो वीडियो को स्लो मोड में डाल के सॉल्व कीजिए, और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, मेरे साथ नोट लिखिए, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए, आपको एक बार में खत्म हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रोबेबिलिटी में और क्या हो सकता है। देखिए आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा,
वन से ओपन हो जाएगा। चलिए दूसरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का कोई कंप्लीमेंट, इसका आंसर हमेशा वन होता है। इसका मतलब ये हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हमेशा वन होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं 100 से 100 है, 100 में कुछ वेजिटेरियन कुछ नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर मैं मान चलूँ 30 वेजिटेरियन है, 70 क्या है नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन, आप क्या बोलेंगे 30/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन, 70/100। अगर दोनों को मिला दिया जाए ना तो हमेशा कितना आएगा, वन आएगा, टोटल आएगा, क्योंकि ऊपर 100 हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। यही है लॉजिक, आपको कोई भी चीज दो, अगर दो इवेंट क्रिएट हो रहे तो दो इवेंट का सम हमेशा वन होगा, अगर चार इवेंट क्रिएट हो चार का सम वन होगा। मेरा बोलने का मतलब है, अगर ऐसा है लिखा है ना, एक कोई कोई इवेंट कोई क्वेश्चन में 6 इवेंट है, तो P(E1) P(E2) प्लस P(E3) और सारे प्रोबेबिलिटी 6 का 6 प्रोबेबिलिटी P(E6) ये सबको सम किया जाएगा तो भी आंसर कितना आएगा, वन आएगा। मतलब एक कोई सैंपल स्पेस में जितना इवेंट क्रिएट हो रहा है सबका आंसर सम करने पर वन आएगा, ये इसका लॉजिक है। अभी दो चीज़ ध्यान में रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं लिया हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। रैंडम इज 5 बैग्स सीड्स है एंड वी केप्ट अंडर अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल जर्मिनेशन आफ्टर 20 डेज, द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड ईच कलेक्शन। इस कहानी दे दिया, इसे कहानी से कोई मतलब नहीं, हमको हमको देखना है क्या दिया। देखिए बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, 5 बैग था, नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, कुछ कुछ सीड्स दिए थे हम, इसमें से इतना सीड्स इतना सीड्स इतना सीड्स ये सब जर्मिनेट हुआ। अच्छा टोटल कितना सीड दिए थे, देखिए टोटल कितना सीड दिए थे हम ना, देखिए 5 बैग्स दिया है, 50 सीड्स वेर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच 5 बैग्स। 5 बैग में बहुत सारे सीड्स है और उनमें से क्या किया मैंने 50 सीड्स को निकाला, और 50 सीड्स निकाला ना तो उनमें से क्या हुआ, देखिए 50 सीड से क्या हुआ, ये बैग से 50 से 40 जर्मिनेट हुआ है, 48 हुआ है यहाँ से, 42 हुआ है, 39 हुआ है, 41 है, तो आउट ऑफ 50 ईच बैग से इतना इतना जर्मिनेट हुआ है। तो मुझे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन इफ मोर देन 40 सीड्स इन ए बैग, कितना प्रोबेबिलिटी है जिसमें से 40 सीड्स से ज़्यादा है बैग में। देखिए यहाँ 40 नहीं है, यहाँ 40 से ऊपर है, यहाँ 40 से ऊपर है, यहाँ 40 से ऊपर है, तो आउट ऑफ 5 बैग्स 3 बैग क्या हुआ है 40 से ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 3/5। क्यों मुझे पूछा है मोर देन, व्हिच इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन इन बैग के लिए पूछा है, 40 सीट्स इन बैग, 40 सीट से मोर होगा, तो देखिए 40 सीट से मोर 3 जगह पे ना, तो 3/5 हो जाएगा। जैसे 49 सीट्स इन ए बैग, कहीं पे 49 सीट्स कहीं है क्या, नहीं है, तो 0/0 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कर दिया है, मोर देन 35 सीट्स इन बैग, 35 से कौन सा बड़ा है, पूरा पूरा बड़ा है, तो 5/5 इसका आंसर कितना जगह बना जाएगा। समझ रहे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए इजी है, इसको देखिए मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। इफ़ यू बाय ए टायर फॉर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखिए ये टायर कंपनी है और ये क्या दिया है, इतना डिस्टेंस में टायर चेंज होता है, मतलब कहानी दिया हुआ है लेस देन ये कंपनी का 4000 के बिलो में 20, 42, 90 में 210, 9,012 इतना बार, ये कहानी पूरा दिया है, उसमें क्या बताया देखिए पढ़ लीजिए। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीड रिप्लेसमेंट, देखिए टायर रिप्लेसमेंट करने का रिकॉर्ड बताया है कि कितने किलोमीटर जाने के बाद टायर रिप्लेस होता है, टोटल कितने का लिया है, टोटल 1,000 कस्टमर का लिया है। देखिए 1,000 में क्या होता है, 20 कस्टमर ऐसे होते हैं जो 4,000 से लेस किलोमीटर जाने पर भी उनका टायर चेंज होता है, और 4,000 से 9,000 बीच में 210 कस्टमर है, 9,000 से 14,000 में 325 कस्टमर है, ये मोर देन 1,400 जाने के बाद इसका टायर चेंज होता है वो 445, ये सबको मिलाएगा नीचे वाला को, इस सबका सम 1,000 होगा, क्योंकि हम 1,000 कस्टमर का डाटा लिया हुए हैं। तो मुझे क्वेश्चन पूछता है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज कवर 4,000, 4,000 किलोमीटर जाने से पहले कितने लोग का पहिया चेंज होता है, व्हील चेंज होता है, देखिए 4,000 से पहले 20 का होता है, तो आंसर हो जाएगा 20/100। नेक्स्ट देखिए, इट विल लास्ट मोर देन 9,000 किलोमीटर, 9,000 से ज़्यादा जाएगा, देखिए या तो 9,000 तक था ये दोनों, ये 9,000 से ज़्यादा मतलब ये दोनों आएगा, कितना आता है 550 कर दीजिए, 1527437, 770 आएगा नहीं है,
बटा कितना करेंगे 1000। नेक्स्ट, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट इज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। 4000 से 14000 के बीच में, देखिए 4 से 14000 के बीच में ये है ना, तो 210325 तो हो जाएगा 535 डिवाइड बाई 1000। कुछ नहीं करना, नीचे रहेगा टोटल, ऊपर रहेगा सेटिस्फाइड कैश, इसी को लिखना है और कुछ नहीं ज़्यादा क्वेश्चन। देखिए मुझे क्या दिया है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को टॉस किया गया 500 टाइम्स। देखिए दो कॉइन को 500 बार टॉस किया गया, दो कॉइन को एक साथ में दो हाथ में कर दिया। वी गेट टू हेड, दो बार हेड इतने बार आया है, वन हेड इतने बार आया है, नो हेड इतने बार आया है, आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ द इवेंट्स, इस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, आने का चांस ईच इवेंट का, मतलब एक एक इवेंट का बताओ, मतलब दो बार हेड आने का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड का कितना होगा, कितना होगा 105 बटा, नीचे क्या आएगा, इतने बार करने पर नीचे कितने बार हुआ है, इसको थोड़ा काउंट कर देंगे। काउंट करने से अच्छा है, नहीं तो आपको पता चलेगा कि मैं 500 टाइम्स क्या क्या हूँ, 500 टाइम्स कॉइन को टस किया हूँ। तो अब करने से अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सबका सम 500 ही होगा, तो ये 500 कर देंगे। मैं बताऊंगा वन हेड चार्ज कितना है, 275 बटा 500 है, क्योंकि नीचे 500 है, क्यों पता चला, मैंने 500 बार सॉल्व किया था उसको, ये 120 टाइम्स है, तो 120 बटा 500। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन से पढ़ के कर सकते हैं, या फिर टोटल जितना भी दिया उसको सम कर दिए, टोटल आ जाएगा, और ईच का पूछे तो एक से बढ़कर एक, मतलब टोटल 500 आ गया, तो ये बट्टा 500, ये बट्टा 500, ये बट्टा 500, इतना इजी चैप्टर है, पूछिए मत, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ, अभी आप लोग अब एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज को डाउट कोश डाउट अगर रहेगा तो पूछिए, और कोशिश कीजिए अपने से करने का, कुछ डाउट रहेगा मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। अगर कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थैंक यू।